हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फ्री चैनल। दोस्तों, प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टीजीटी पीजीटी के बीएससी एन बीएससी एलटी में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूं। दोस्तों, यह सीरीज नंबर 83 है एंड जिम्नास्टिक्स से जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में रखे गए हैं। एंड दोस्तों, इन सभी एग्जाम्स का प्रिपरेशन आप सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सभी वीडियोज को वॉच करके आप अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन कर सकते हैं। एंड दोस्तों, डेली बेसिस पे प्रीवियस ईयर एमसीक्यू सीरीज दिए जा रहे हैं, उसका प्रैक्टिस करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन गतिविधि समूह में सिखाना कठिन होता है? ड्रिल और मार्चिंग, योगासन, जिम्नास्टिक, संगीत। तो दोस्तों, यहाँ पे जिम्नास्टिक को समूह में सिखाना ज्यादा कठिन होता है, जबकि योगासन, ड्रिल, मार्चिंग, संगीत को सिखाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। जैसा कि दोस्तों, जिम्नास्टिक शब्द यूनानी भाषा के जिम्नोस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नग्न शरीर, ठीक है। एंड जान गर्स मर्स को जिम्नास्टिक का महान घर माना जाता है, जिम्नास्टिक का ग्रैंड फादर यानी पितामह किसे माना जाता है? जान क्रिस्टोफर फ्रेडरिक गर्स मर्स को। इन्हें जर्मन जिम्नास्टिक के पितामह कहा जाता है। इन्होंने दो पुस्तक लिखी थी दोस्तों, जिम्नास्टिक फॉर द यंग एंड खेल, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। एंड तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेडरिक लुडविक जान ने जर्मनी में किस प्रकार जिम्नास्टिक्स की शुरुआत की थी? तो इन्होंने देशभक्ति जिम्नास्टिक की शुरुआत की थी, यानी कि इन्होंने भारतीय शिक्षा को जर्मन जाति में राष्ट्रीय एकता के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे। ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम्नास्टिक के लिए पैरल बार की जमीन से ऊंचाई होती है, तो कितना होता है दोस्तों पैरल बार की जमीन से ऊंचाई? 1.75 मीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। और पैरल बार की लंबाई कितनी होती है? 3500 mm यानी कि 3.5 मीटर। एंड पैरल बार की बार्स की जो चौड़ाई होती है वो 420 से 520 mm यानी कि 0.42 से 0.52 मीटर यानी 42 से 52 सेंटीमीटर। और बार्स की ऊंचाई कितनी होती है? 1.75 मीटर, ठीक है। दोस्तों, जितने भी इवेंट्स आते हैं जिम्नास्टिक के अंदर महिलाओं एवं पुरुषों, उन सभी का डिटेल में वर्णन मैं जिम्नास्टिक वाले वीडियोज में की हूँ, जैसे कि पार्ट बाय पार्ट जिम्नास्टिक के 3-4 वीडियो बनाया गया है। जैसे कि दोस्तों, जिम्नास्टिक में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों में पुरुषों के लिए 6 और महिलाओं के लिए 4 उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। कई बार ऐसे ही पूछ दिया जाता है कि आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में पुरुष के लिए कितने उपकरणों का प्रयोग किया जाता है? तो 6, महिलाओं के लिए कितना किया जाता है? तो 4। पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए दोनों को कौन कौन से उपकरण प्रयोग किए जाते हैं, इसका डिटेल में वर्णन में जिम्नास्टिक वाले वीडियोज में बताई हूँ ट्रिक के साथ। एंड दोस्तों, यहाँ पे शॉर्ट में बता देती हूँ कि पुरुषों के लिए 6 उपकरण कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि इसका शॉर्ट ट्रिक मैंने बनाया था, रूपवा हफ लोपा यानी कि रूसे रोमन रिंग, पसे पैरल बार, रुपवा वासे वॉल्टिंग हार्स, हौसे हॉरिजॉन्टल बार, फसे फ्लोर, पासे पामेल वास पामेल हॉर्स, यानी कि रुपवा हफ लोपा। ये आपका हो गया पुरुषों का 6 उपकरण। महिलाओं के लिए 4 उपकरण है, फॉसीवे ट्रिक है, फॉसीवे यानी कि फसे फ्लोर, वासे वॉल्टिंग हार्स, सी से सिमेट्रिकल या अनइवन बार और वे से बैलेंसिंग बीम। ये 4 उपकरण महिलाओं के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। एंड दोस्तों, अन्य महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि आपको जानना वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जिम्नास्टिक को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? तो 1896 एथेंस में ही शामिल किया गया, जब आधुनिक ओलंपिक शुरुआत हुआ तभी से। एंड दोस्तों, महिलाओं के
जिम्नास्टिक को कब शामिल किया गया ओलंपिक में? 1928 एमस्टरडम हॉलैंड में शामिल किया गया। एंड दोस्तों भारत ने ओलंपिक की प्रथम बार कब प्रतिभाग किया? तो 1952 हेलसिंकी में जिम्नास्टिक में भारत ने प्रथम बार प्रतिभाग किया। एंड दोस्तों एक और क्वेश्चन है कि रिदमिक जिम्नास्टिक को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? तो 1984 लॉस एंजल्स में। एंड एशियाई खेलों में जिम्नास्टिक को कब शामिल किया गया? तो 1974 तेहरान में किया गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम्नास्टिक खेल में फर्श पर करतब दिखाने वाली जगह का माप होता है? तो फर्श की माप कितना होता है दोस्तों? 12x12 मीटर। ठीक है, यानी फ्लोर का माप 12x12 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। एंड तो वही पे जो फ्लोर का माप होता है रिदमिक जिम्नास्टिक में 13x13 मीटर हो जाएगा, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, जिम्नास्टिक में फ्लोर व्यायाम की मैट की माप होती है कितना होता है? 12x12 मीटर। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है, 12x12 मीटर। ये क्वेश्चन UPSC UPPCS LT के परीक्षा 2018 में पूछा गया है। एंड पहले वाला क्वेश्चन KVS 2017 में पूछा गया है। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिम्नास्टिक वर्ल्ड स्पर्धा के लिए रनवे धावन पथ की लंबाई होती है? तो दोस्तों वर्ल्ड स्पर्धा के लिए जो रनवे होता है वह उसकी लंबाई जो होती है वह 25 मीटर होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 25 मीटर महिला पुरुष दोनों के लिए होता है। एंड चौड़ाई जो होती है 1 मीटर होती है। ठीक है, वर्ल्ड स्पर्धा के लिए कितनी होती है? 25x1 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम्नास्टिक महिला वर्ग में कौन सा इवेंट नहीं है? तो दोस्तों मैं डिटेल में बताई हूँ, आप यहाँ से आसानी से उत्तर दे सकते हैं कौन सा महिला वर्ग में कौन सा इवेंट नहीं है। इसमें फ्लोर एक्सरसाइज, अनइवन बार, फॉर्मल हॉर्स, वॉल्टिंग हॉर्स। तो इसमें फ्लोर एक्सरसाइज, अनइवन बार, वॉल्टिंग हॉर्स तीनों महिला का इवेंट है, जबकि फॉर्मल हॉर्स महिला का इवेंट नहीं है, यह पुरुषों का इवेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कारक इंडोर जिम्नेजियम बनाते समय सबसे महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण पूछा है, जबकि यहाँ पे ऑप्शन है प्रकाश, दरवाजा, हवादारी, दिशा, जबकि ये चारों के चारों महत्वपूर्ण है। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण पूछा है तो हवादारी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से खेल में चपलता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो दोस्तों किसमें निभाती है? जिम्नास्टिक, तीरंदाजी, निशानेबाजी, भारोत्तोलन। किसमें? तीरंदाजी, निशानेबाजी, भारोत्तोलन, ये सब स्थिरात्मक स्किल है, इसमें चपलता नहीं, इसमें एकाग्रता की ज्यादा जरूरत होती है। बट यहाँ पे जिम्नास्टिक ऐसी क्रिया है जिसमें कोऑर्डिनेशन, चपलता, एजिलिटी जो है विशेष रूप से महत्व रखती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जिम्नास्टिक एक ऐसा खेल है दोस्तों जिसमें संतुलन, शक्ति, लचीलापन और नियंत्रण, कोऑर्डिनेशन, एजिलिटी सभी की आवश्यकता होती है। इन सब के अतिरिक्त इन खेल में चपलता यानी एजिलिटी जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जिम्नास्टिक में। नेक्स्ट है, पॉमेल हॉर्स किस खेल से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? जिम्नास्टिक से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, पॉमेल हॉर्स किससे संबंधित है? जिम्नास्टिक खेल का एक पुरुष कलात्मक यानी इवेंट यानी आर्टिस्टिक इवेंट है, यानी फ्रंट सपोर्ट पोजीशन, डबल लेग सर्कल्स, सिंगल लेग हाफ सर्कल्स एवं फ्रंट सीजर्स इससे संबंधित प्रमुख कौशल हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, ट्रम्पोलिन जिम्नास्टिक ट्रम्पोलिन किस खेल से संबंधित है? तो ट्रम्पोलिन किस खेल से संबंधित है दोस्तों? यह है जिम्नास्टिक से संबंधित। ठीक है, जिम्नास्टिक से संबंधित ट्रम्पोलिन जिम्नास्टिक क्या होता है? यह जो होता है यह ट्रम्पोलिन जिम्नास्टिक एक मनोरंजनात्मक और प्रतियोगात्मक जिम्नास्टिक है। ठीक है, एंड ट्रम्पोलिन जिम्नास्टिक में इंडिविजुअल या सिंक्रोनाइज ट्रम्पोलिन, डबल मिनी ट्रम्पोलिन, ट्रम्पोलिन ट्रम्पोलिन आदि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, किस ओलंपिक खेल में रिदमिक जिम्नास्टिक को शामिल किया गया था? किस ओलंपिक खेल में रिदमिक जिम्नास्टिक को शामिल किया था गया था दोस्तों? तो 1984 लॉस एंजिल्स में शामिल किया गया था। कब?
1984 लॉस एंजल्स में इसको शामिल किया गया था। एंड दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण बात ये है कि जिम्नास्टिक में सबसे पहले प्रथम अर्जुन पुरस्कार किसको दिया गया था, तो श्यामलाल को 1961 में। एंड फिर आशीष कुमार को जो यूपी इलाहाबाद से, उनको 2011 में दिया गया। एंड दीपा 2016 में दिया गया अर्जुन पुरस्कार, जो ओलंपिक में प्रथम महिला जिम्नास्ट बनी है। इन्होंने ओलंपिक वर्ल्ड स्पर्धा में चौथा स्थान प्राप्त किया था 2016 रियो ओलंपिक में। एंड दोस्तों इनको, दीपा कर्माकर को राजीव गांधी पुरस्कार जो है 2016 में राजीव गांधी और अर्जुन दोनों पुरस्कार मिला है। एंड दोस्तों 2021 में जिम्नास्टिक में ओलंपिक में भाग लेने वाली है प्रणीति नायक, जो 2021 में टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें प्रणीति नायक ने प्रतिभाग किया था। एंड दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार सबसे पहले जिम्नास्टिक में दिया गया था विश्वेश्वर नंदी को 2016 में, ठीक है। एंड दोस्तों जो जिम्नास्टिक है, जो ओलंपिक में जिम्नास्टिक खेल के अंतर्गत कितने और कौन से प्रकार के जिम्नास्टिक प्रतियोगिता आती है, तो दोस्तों ओलंपिक में तीन आती है, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, रिदमिक जिम्नास्टिक, ट्रम्पोलिन जिम्नास्टिक। जबकि FIG यानी इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन के अंतर्गत आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, एक्रोबेटिक्स जिम्नास्टिक, एरोबिक्स जिम्नास्टिक, रिदमिक जिम्नास्टिक एंड ट्रम्पोलिन जिम्नास्टिक आते हैं। जबकि ओलंपिक के अंतर्गत ओनली तीन, आर्टिस्टिक, रिदमिक और ट्रम्पोलिन जिम्नास्टिक आता है, ठीक है। दोस्तों इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं जिम्नास्टिक में, 8 खिलाड़ी होते हैं, 6 खेलने वाले या 2 अतिरिक्त खिलाड़ी होते हैं। और जिस स्थान पर जिम्नास्टिक अभ्यास कराए जाते हैं उसको जिम्नेजियम बोला जाता है, और जिम्नेजियम का लंबाई चौड़ाई 60x30 मीटर होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये सभी थे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो दोस्तों ये था जिम्नास्टिक के जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, वे सभी क्वेश्चन यहाँ पे रखे गए हैं। तो आई होप दोस्तों सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए। एंड दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपलोड आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।